वोट किसको देंगे? वोट किसी को भी नहीं देंगे। क्यों, वजह क्या? कोई काम ही नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। 2018 में किसी को भी नहीं दिया था, किसी को नहीं दिया, अभी भी नहीं देंगे। तो क्या वजूआत है सर इतनी मायूसी? भाई राजनीति की बात है ना, मायूसी तो होगी, कोई काम ही नहीं आता, कोई काम ही नहीं करता, आवाम के काम कौन आता? तो जरूरत ही नहीं है किसी को लाने की और या वोट देने की, देना ही नहीं है बिट्टू। क्या मुस्तकबिल देख रहे कराची का? बर्बाद बर्बाद है, और बेहतर नहीं कर सकता। कोई आए तो बेहतर करे ना, अल्लाह आप ही मुंतखब करेंगे ना, वो अल्लाह वाली के देखेंगे, दुआ करेंगे कोई अच्छे इंसान का बच्चा आ जाए। अगर आप वोट देंगे तो आएंगे ना? देखेंगे ना, पहले देखे तो आएगा कौन, कम रहेगा, अल्लाह मालिक के देखते हैं। इमरान खान चैनल कौन सा है यार? इमरान खान को यूं के इमरान खान ने अच्छे काम करे, अच्छी अच्छी काम करके गए। सर आपका वोट? इमरान खान। सर आपका वोट? हमारा वोट इमरान खान। क्यों, क्या वजह? सही है ना यार, एक खूबी बताओ। मुल्क के लिए तो काम किया है, एक खूबी बताओ। हाँ, एक खूबी बताओ कि हमारे मुल्क को इसने जो है दहशत गर्दों से साफ कर दिया, ये एक खूबी हमने बताई आपको, और भी चोरों से भी साफ कर दिया। सही है, और अच्छे लोग हैं इमरान खान वाले, ये नहीं हम बोल रहे आपको कि गलत लोग हैं, सही है। सोच ले फिर। हाँ मैंने पीटीआई की, हाँ मेरा वोट पीटीआई पर है भाई। हाँ मैं एमक्यूएम एमक्यूएम को लाइक नहीं करता हूँ, सिर्फ पीटीआई को करता हूँ। पीटीआई क्या मुस्तकबिल बनाएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाह तो बनाएगी। हाँ अगर चोर इनके साथ नहीं होंगे तो बनाएगी, वरना मुश्किल है, वही हो जाएगा हाल फिर जैसा था शुरू। 2018 में किसको? मैंने पीटीआई को किया था। हाँ हाँ इंशाअल्लाह हम पीटीआई को ही देंगे भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? कैसे हैं सर? एक क्वेश्चन करूंगा, वोट किसको दे? वोट मेरा खान का है भाई। क्यों सर? भाई अपनी दिल की बात है, इनको चार चार मरतबा आजमा लिया, पांच पांच मरतबा आजमा लिया, एक ही वादे एक ही कस्में होते हैं बस, और कुछ नहीं। यानी आपको वोट पीटीआई के? पीटीआई के। क्यों सर, क्या बात है? कराची में भी इतनी मकबूल है? बात ये है कि इन्होंने हर दफा वादे करते काम नहीं करते, पीटीआई को देखिए। यानी कि 2018 में जो वजीर आजम बने इमरान खान, तो कराची के लिए क्या किया? काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये इख्तियार नहीं थे इनके पास, अगर इख्तियार होते तो काम करते ही। यानी कि आपका वोट पीटीआई? पीटीआई। वोट किसको देंगे? पीपल्स पार्टी। क्यों सर, क्या वजह? काम करती है कराची के अंदर, क्या क्या काम किया? बहुत काम कर रही है, अभी भी काम कर रही है, पीछे जाके देखो सब जगह काम कर रही है पीपल्स पार्टी, और सिंध की जमात है। तो कराची में मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं आने वाले वक्तों में, जनरल इलेक्शन में कौन वजीर आजम? यही इसका पीपल्स पार्टी का है पक्का। बिलावल भुट्टू? बिलावल भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो। चलो और लोगों से भी जानेंगे और पूछेंगे। सर कैसे कह रहे थे? बाबा कैसे कह रहे थे? एक क्वेश्चन करूंगा, वोट किसको दें? वोट किसको दें? काम ही किसी ने नहीं किया, वोट किसको दे? इतनी मायूसी, इतनी मायूसी है, किसी ने काम ही नहीं किया आज तक। कोई आज 10 साल हो गए, कोई हमें ये नहीं पूछने आया कि तुम्हारी लाइट है या नहीं है, तुम्हारे यहाँ पानी है नहीं है, पानी का टैक्स देना, पानी है नहीं, लाइट है वो जनरेटर से चल रही है भाई, टैक्स लेने सब आएंगे, काम कोई नहीं करता, सिंपल है। 2018 में जिसको दिया था वो तो अंदर बंद है। उम्मीद जागी थी सब, अभी किसको देंगे? उम्मीद जागी थी कि कोई काम करेगा, लेकिन उसने भी अपनी औकात दिखाई है और अभी भी सब अपनी औकात ही दिखाएंगे। किसको देंगे? किसी को देने का वैसे इरादा नहीं, आराम आराम करेंगे बस यार, किसी को नहीं देने का, कोई काम नहीं होता, यकीन माने यहाँ पर जो ना बस जिस तरह देखे रोड टूटे में, पार्किंग नहीं है, जनरेटर की लाइट जल रही है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, पानी का टैक्स दे रहे हैं, बोले इससे आगे क्या करें? सोचा नहीं है बिल्कुल, कुछ नहीं है, आराम करेंगे, आराम करेंगे घर में। इतनी मायूसी हो गई, हकीकत है यार, आपके जब कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपको क्या जरूरत है किसी के लिए आप हेल्प करें? तो इस वजह से अपने घर आराम करें यार, आप जो करना है आप करो। और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आने वाले जनरल इलेक्शन में वोट किसको देंगे। भाई जान कैसे कह रहे थे? मेरे भाई कैसे कह रहे थे? वोट किसको दें? 804 को। क्यों सर? लीडर है यार, बेस्ट पे लीडर है, चोट नहीं। 2018 में किसी को ही दिया था, तो अभी भी वोट पीटीआई गया। पीटीआई गई सर, इतनी मोहब्बत? हां वो करप्ट नहीं है, ये सारे करप्ट है, पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ, ये सब करप्ट है, ये देखिए सारा सारे इंतजाम जो भी केस थे सारे माफ कर दिए, उसके ऊपर कोई केस नहीं है, उसको फंसा के रखा हुआ है,
फजूल में बता के रखा हुआ है। नौ मई की बातें कर रहे हैं, खुद ही इन्होंने ही करवाया 9 मई का। किसको? मैं तो भाई 70 के बाद वोट डाटा किसी को नहीं दिया, अभी तक देने नहीं किसी को 70 के बाद। वोट कास्ट करने गया था, पता क्या करें, आपका वोट तो पहले कास्ट हो चुका। मैं आपकी माँ का यार आज के बाद 100% 8-4 सर आपका वोट तेरी के लब्बैक पार्टी। अच्छा जी,